8. हवेली दूर से ही दिखाई देने लगी थी, लेकिन गांव का मुखिया मनीनाथ थोड़ा पहले ही रुक गया। वो रही हवेली, एकदम खंडर हो चुकी है। और वो देखिए, उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। आप चाहे तो पास जाकर इसे अच्छे तरह से देख लीजिए। अर्जुन और तानी तो पिछली रात ही हवेली को देख चुके थे, लेकिन वो मनीनाथ के मन में कोई शक नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए तानी थोड़ा आगे बढ़कर हवेली के पिक्स क्लिक करने लगी। अर्जुन ने भी ऐसा ही शो किया जैसे वो पहली बार ये हवेली देख रहा था, लेकिन एक बात से अर्जुन थोड़ा हैरान था। कितनी अजीब बात है कि दिन की रोशनी में भी हवेली के आसपास अंधेरा सा छाया हुआ है। शायद इसके चारों ओर ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इनकी वजह से ही ऐसा होगा। लेकिन यह अजीब सी खामोशी क्यों छाई हुई है? तभी तानी हवेली की कुछ पिक्स क्लिक करके वापस लौट आई। मनी दादू, बाहर से देखने में तो ये हवेली कुछ खास नहीं है, अब इसके अंदर क्या है वो भी आप हमें दिखा दीजिए। मैं वही दिखाने तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये इस तरफ मेरा घर है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। मनीनाथ तानी और अर्जुन को अपने घर ले आया। एक छोटे से कमरे में उन्हें बैठाकर मनीनाथ घर के किसी कमरे में चला गया। ये मनीनाथ हमें यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, अगर उसे हमारे साथ ऐसा ही करना होता तो पहले ही कर लेता, यहाँ घर पर क्यों लाता? तभी मनीनाथ वापस आ गया। उसके हाथ में एक बहुत पुराना फोटो एल्बम था। इस हवेली के कुछ पुराने फोटो हैं, 100 साल से भी ज्यादा पुराने। कुछ ड्राइंग और स्केच भी है, आप देख लीजिए, शायद आपके काम के हों। अर्जुन ने फौरन वो एल्बम लिया और उसे खोल कर देखने लगा। पहले ही पेज पर एक फैमिली फोटोग्राफ दिखाई दिया जिसके नीचे लिखा हुआ था, रॉय चौधरी फैमिली 1920। यानी ये फोटोग्राफ 1920 में लिया गया था, और ये रॉय चौधरी फैमिली तो बहुत बड़ी है। फोटोग्राफ में कितने सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से वो श्याम रॉय चौधरी कौन सा है जो मेरे सपने में आता है? मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। फोटोग्राफ बहुत डैमेज हो चुका है, सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा है। मुझे मनीनाथ से पूछना चाहिए। मनी दादू, आप तो इन लोगों को पहचानते होंगे, क्या आप इन सब का नाम बता सकते हैं हमें? क्यों, तुम इनके नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हारा इनसे क्या लेना देना है? वो एक्चुअली मुझे अपनी स्टोरी के लिए चाहिए, प्लीज अगर आपको जानते हैं तो बता दीजिए। मुझे केवल दो ही नाम पता है, पहला श्याम रॉय चौधरी, जो रॉय चौधरी परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, और दूसरा अर्जुन रॉय चौधरी, जो सबसे छोटा बेटा था। What? क्या नाम बताया आपने छोटे बेटे का? अर्जुन, अर्जुन रॉय चौधरी। ये जो इधर कोने में खड़ा है ना, वो है अर्जुन रॉय चौधरी, और यहाँ बीच में जो बैठा हुआ है वो श्याम रॉय चौधरी। तानी और अर्जुन अब फौरन उस फोटोग्राफ में अर्जुन रॉय चौधरी का चेहरा देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी तानी ने अपने फोन का स्कैनर ऑन किया और उस फोटोग्राफ को स्कैन करने लगी, जबकि अर्जुन अब एक गहरी सोच में डूबने लगा था। इस अर्जुन रॉय चौधरी का चेहरा क्या मुझसे मिलता जुलता होगा? और क्या मैं सपने में अपने आप को नहीं बल्कि इस अर्जुन रॉय चौधरी को देखता हूँ जिसकी बलि दी जा रही होती है, और जो अपने बड़े भाई श्याम रॉय चौधरी से दया की भीख मांग रहा होता है? यानी तकरीबन 100 साल पहले सवेली में अर्जुन रॉय चौधरी की सचमुच बलि दी गई थी। यानी मैं जो देखता हूँ वो कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो साल 1920 में सवेली में सचमुच हुई थी। ये ख्याल आते ही अर्जुन ने अब जल्दी से एल्बम का अगला पेज पलटा और वो शॉक्ड हो गया। ओह माय गॉड, ये तो हवेली के अंदर वाले हिस्से का एक फोटोग्राफ है, और ये हिस्सा ठीक वैसे ही है जैसा मुझे सपने में दिखता है। यहाँ बीच में वही मूर्ति स्थापित है जैसे मुझे सपने में दिखती है। मूर्ति के चरणों में वही खड़क रखा हुआ है जिसे उठाकर वो लड़की मेरी गर्दन पर अटैक करती है। नहीं नहीं, मेरे नहीं बल्कि अर्जुन रॉय चौधरी की गर्दन पर।
अर्जुन के साथ साथ तानी भी बहुत गौर से उस फोटोग्राफ को देख रही थी और उस मूर्ति को लेकर उसके मन में एक सवाल था। मनीदा, ये प्रतिमा तो शायद माँ शमशान काली की है। मैंने इस तरह की कुछ प्रतिमाएं पहले भी देख रखी हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये वही है। लेकिन माँ शमशान काली की प्रतिमा को कभी भी किसी के घर के अंदर स्थापित नहीं किया जाता, फिर ये प्रतिमा यहाँ हवेली के अंदर कैसे है? देखो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये 150 साल पुरानी बात है, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दरअसल मेरे ग्रैंडफादर रॉय चौधरी फैमिली के मुनीम थे, यानी अकाउंटेंट। उन्होंने जो कुछ मेरे बाबा यानी मेरे फादर को बताया था, बस मुझे उतना ही पता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था जो इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? क्या यहाँ किसी का मर्डर हुआ था? और रॉय चौधरी खानदान का कोई वारिस जिंदा होगा? कहाँ है वो? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कुछ नहीं पता। और रॉय चौधरी खानदान के बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। अब जाओ यहाँ से तुम लोग, वरना गांव वाले तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देंगे। मनीनाथ को अचानक बहुत गुस्सा आ गया। उसने अर्जुन के हाथ से वो फोटो एल्बम ले ली और उन्हें अपने घर से बाहर निकालने लगा। ओके, जस्ट रिलैक्स, हम लोग जा रहे हैं। तभी घर के किसी दूसरे कमरे से निकलकर एक लड़की वहां आई। क्या हुआ बाबा? ये लोग कौन है और आप इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो चीनी? फौरन जाओ अपने कमरे में। मनीनाथ से उस लड़की के लिए चीनी नाम सुनकर अर्जुन और तानी एकदम शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने देखा कि ये वही चीनी थी जो कल रात उन्हें यहाँ गांव में मिली थी, मगर इस वक्त वो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी की बजाय उसने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और वो अर्जुन और तानी को इस तरह से देख रही थी जैसे उन्हें पहली बार देख रही हो। तभी वहां गांव वाले इकट्ठा होने लगे, इसीलिए अर्जुन और तानी अब गांव से फौरन बाहर आ गए। गांव से बाहर आने के बाद तानी और अर्जुन सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी का वेट कर रहे थे। आई कांट बिलीव दिस तानी, वो लड़की चीनी गांव के मुखिया मनीनाथ की बेटी है, बट वो आज कितनी अलग दिख रही थी और उसने हमें पहचाना तक नहीं, जबकि कल रात उसने भेड़ियों से हमारी जान बचाई थी, फिर मशाल की रोशनी में हमें गांव से बाहर तक छोड़ने आई थी। उसने हमसे बातें भी की थी। नो, तानी, ये वो वाली चीनी नहीं हो सकती जिसके लिए तुमने कहा था कि इसमें कोई सुपर पावर्स है और वो इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। एंड इनफैक्ट आज दिन में इस गांव को देखने पर ऐसा जरा भी नहीं लगा कि इस इलाके में भेड़िए भी होंगे। वो डॉक्टर ठीक ही कह रहा था। लेकिन तानी ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से कुछ सोच रही थी। ये वही चीनी है जो कल रात हमें मिली थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि इसने केवल एक ही कान में इयररिंग पहना हुआ था। इसका दूसरा इयररिंग मेरे पास ही है जो मुझे होटल के कमरे में मिला था, लेकिन ये बात अर्जुन को पता नहीं लगनी चाहिए। तानी, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं, वो मैं चीनी के बारे में ही सोच रही थी। एंड आई थिंक ये वो लड़की नहीं है। इसका नाम और चेहरा जरूर कल रात वाली चीनी से मिलता होगा, बट ये कोई और भी हो सकती है। ये कोई कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, जैसे अर्जुन और अर्जुन रॉय चौधरी। यस तानी, यू आर राइट। मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा था कि कोई हो सकता है मेरा चेहरा रॉय चौधरी खानदान के सबसे छोटे लड़के अर्जुन रॉय चौधरी से मिलता हो और मैं सपने में खुद को नहीं बल्कि उस अर्जुन रॉय चौधरी को ही देखता हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि वाई मेरा इस अर्जुन रॉय चौधरी से क्या कनेक्शन है, इस हवेली से क्या कनेक्शन है, और साल 1920 में आखिर ऐसा क्या हुआ था इस हवेली में? आई थिंक तनी वो मनीनाथ इस बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। बट वी मस्ट सॉल्व दिस मिस्ट्री तानी। लेकिन तानी ने अर्जुन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक गहरी सोच में डूब गई थी। ये मिस्ट्री तब तक सॉल्व नहीं होगी अर्जुन, जब तक कि हम हवेली के अंदर नहीं जाएंगे और वो चीनी हमें कभी अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है और हवेली के अंदर माँ शमशान काली की प्रतिमा क्यों है? तभी उन्हें एक टैक्सी दिखाई दी
और वो दोनों अब अपने होटल के लिए चल दिए। लेकिन रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बल्कि वो अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। अचानक अर्जुन को कुछ सुनाई दिया। मार डालो तानी को, मार डालो इसे, वरना तुम कभी भी उस हवेली में नहीं जा सकोगे। तुम्हें कभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तुम्हें हर रात तुम्हारे वो डरावने सपने ऐसे ही डराते रहेंगे, और एक दिन ये तानी तुम्हें मार डालेगी। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है।